मेरे जेब से पैसे निकाल लिए। सोनो, ओ सोनो, क्या हुआ पापा, चला क्यों रहे हो? मेरे जेब से 500 रुपए तुमने निकाले? पापा रिचार्ज खत्म हो गया था तो वही करवाना था। अरे तो निकाले क्यों, मांग भी तो सकता था। वो पापा मोदी जी ने बोला है आत्मनिर्भर बनो। इधर 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 सोच हमेशा उल्टी ही क्यों चलती है? आत्मनिर्भर बनना है तो कमा के बनना, पूरी तरह से बन। इतना आसान नहीं है आत्मनिर्भर बनना। आपको क्या पता हमारी एज के लोगों को कितनी तकलीफ होती है। नहीं नहीं, मैं तो सीधा 50 साल का पैदा हुआ हूँ ना, तेरी उम्र तो मैंने देखी नहीं है। ओ पापा, आपके जमाने और हमारे जमाने में बहुत फर्क है। आपके जमाने में किशोर कुमार हुआ करते थे, हमारे जमाने में अरिजीत सिंह है। आपके जमाने में ना लोग उदास होते थे और हमारे जमाने में सीधा डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपके जमाने में ना जेंडर इक्वालिटी होती थी और हमारे जमाने में ना फेक फेमिनिज्म होता है, क्योंकि इट्स हर चॉइस। टेंशन, करियर की टेंशन, लुक्स की प्रॉब्लम, ऊपर से गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ओ सॉरी, वो तो आपकी भी नहीं होती होगी। देख रहे हो ना कितनी प्रॉब्लम होती है हमको। अब दो जवाब दो। बेटा तुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या क्या झेलना पड़ा है। मेरी जिंदगी तो बहुत सुखी लगती है ना तुझे। एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए बाप बन के देख, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तुझे। आप बोल रहे हो ना, बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। ये अनिल कपूर की आवाज कहां से आ रही है? बोलो, बनोगे इस दिन के लिए? अमरीश पुरी भी आ गया, ये हो क्या रहा है? अभी भी खबर मिली है कि एक लड़का अपने पिता के सारे पैसे लेके फरार हो गया। यार अब इस न्यूज को भी अभी आना था। देख, तुझसे भी यही उम्मीद है, सीखो को शर्मा जी के लड़के से। हर चीज में तुझसे एक नंबर है। तो उसे पता चला है कि वो लड़का शर्मा जी का है। वैसे पापा, शर्मा जी से मुझे याद आया कि पिछले हफ्ते सुभाष गार्डन में शर्मा आंटी के साथ कोई आदमी था। ओह नो, मुझे लगा कि आप हो। फिर सोचा नहीं, आप कैसे हो सकते हो। ले बेटा ले, ये 500 रुपए और ले। देखो जब भी चाहिए मेरे जेब से निकाल लिया कर, चिंता।